हम लोग कभी ना कभी अपने फ्यूचर को टाइम मशीन के थ्रू ज़रूर देखना चाहेंगे। इससे हमें हमारे लाइफ में आने वाली हर इवेंट्स के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा हमारे पृथ्वी के परिवर्तन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर में सफ़र करवाने वाले हैं, जहाँ पर हम आज से 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ साल आगे जाके देखेंगे कि हमारे पृथ्वी का क्या होगा। क्या उस टाइम हम मतलब मानव जाति जिंदा रहेंगे या हम भी डायनासोर की तरह एग्जिस्टेंस से गायब हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज से 10,000 साल बाद से। इस समय पर इंसानों के सामने Y10K का प्रॉब्लम आएगा, जिसे डेका मिलेनियम बग भी कहा जाता है। आप लोगों ने शायद मिलेनियम बग के बारे में सुने होंगे। Y2K प्रॉब्लम भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम था। 1999 के बाद सारे कंप्यूटर्स खराब हो गए, क्योंकि ईयर को उस टाइम 2 डिजिट में लिखा जाता था, जैसे 1999 का सिर्फ 99। अब जब 2000 साल आता है तब ये 00 हो जाता है। इसीलिए कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर भी एक तरीके से जस्ट खराब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम ही हमें देखने को मिलेगा 10,000 साल में, क्योंकि उस टाइम पर साल को दिखाने के लिए 4 नहीं 5 डिजिट को यूज़ करना पड़ेगा। इस टाइम पर ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस किसी भी रीजन तक सीमित नहीं रहेगा, जैसे हेयर कलर, स्किन कलर के बेसिस पर, मतलब पृथ्वी के हर कोने में ये ह्यूमन ट्रेट्स फैल जाएंगे। आज से 20,000 साल बाद आज के पृथ्वी में जितनी सारी भाषा चलती हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। कह सकते हैं कि एक तरीके से इवॉल्व हो जाएगा जो आपके समझ से परे होगा। उस टाइम पर कहे जाने वाले लैंग्वेज में आज के टाइम का सिर्फ 1% ही वोकैबुलरी यूज़ किया जाएगा। अब चलते हैं फ्यूचर में 50,000 साल बाद। इस टाइम में आपको फिर से आइस एज दिखने को मिलेगा। अर्थ में मौजूद किसी भी जगह के लेक्स इरोशन के चलते पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तो पृथ्वी का एक दिन जो 24 घंटे में होता है वो 1 सेकेंड के लिए बढ़ जाएगा। मतलब उस टाइम पर एक दिन होगा 24 घंटे और 1 सेकेंड में। क्यों, अमेजिंग ना। अब आते हैं आज से 1,00,000 साल बाद। आज के समय पर हम जिन स्टार्स, एस्टेरॉयड या जो कुछ भी स्पेस में देख पा रहे हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसका रीज़न है हमारे सोलर सिस्टम का मिल्की वे गैलेक्सी को चक्कर लगाना। और तो और दोस्तों, उस टाइम पर हम लोग मार्स पे अपना घर भी बसा चुके होंगे एंड हमारे जीने का तरीका भी बहुत बदल गया होगा। 2,50,000 साल बाद हवाई आइलैंड में एक नए द्वीप का जन्म होगा। ये स्पेशली एक वॉल्केनो होगा, जिसका नाम लोही ही वॉल्केनो रखा गया है, जो समुंदर के नीचे से प्रकट होगा। आज से 5,00,000 साल बाद एक जाइगेंटिक एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करेगा, जिसका डायमीटर होगा 3,280 फीट का, जिससे अर्थ पर टकराने से 400 किलोमीटर बड़ा एक क्रैटर पैदा होगा। इसके वजह से चारों तरफ आंख के लपटे उड़ने लगेंगे एंड अर्थ में सेवियर डिजास्टर देखने को मिलेगा। अर्थ का ऑक्सीजन सांस लेने लायक नहीं रहेगा। और शायद ये भी हो सकता है कि अर्थ में गिरने से पहले ही उस टाइम के स्पेस एजेंसीज कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे खतरे से बचने के लिए, जिसे इंसानी प्रजाति बच जाएगा। आज से 10,00,000 साल मतलब 1 मिलियन ईयर बाद अर्थ में एक सुपर वॉल्केनो इरप्शन देखा जाएगा, जिसके चलते 3,200 क्यूबिक किलोमीटर दूर तक इसका मैग्मा फैल जाएगा। इस टाइम पर इसमें से इतना लावा निकलेगा जिससे ग्रैंड कैनियन का 75% तक भर जाएगा। दोस्तों, ये इतना विनाशकारी होगा जिसके वजह से ह्यूमैनिटी अर्थ से गायब हो जाएगा। ऐसा ही एक वॉल्केनो इरप्शन आज से 70,000 साल पहले हुआ था, जिसे टोबा इरप्शन कहा जाता है, जो करीबन 20 सालों तक चला था, जिसके चलते पृथ्वी का ऑलमोस्ट सारे इंसान मर चुके थे। और तो दोस्तों, स्पेस के एक मैसिव स्टार जिसका नाम है बीटलजूस, वो एक्सप्लोड हो जाएगा। और ये एक्सप्लोजन, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं, इसे हम पृथ्वी से बड़े ही आराम से देख सकते हैं। अब 2 मिलियन साल बाद की बात करते हैं। आप जिस ग्रैंड कैनियन को देख पा रहे हैं वो इरोशन के चलते पूरी तरीके से एक प्लेन वैली में परिवर्तित हो जाएगा। और ख़ास टेक्नोलॉजी की वजह से हम और कई सारे प्लैनेट्स में अपना घर बसा लेंगे, जिससे हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही चेंजेस देखने को मिलेगा एंड हम लोग एक अलग स्पीसीज में बदल जाएंगे। 10 मिलियन साल बाद अफ्रीका का एक छोटा हिस्सा इससे अलग हो जाएगा एंड उनके बीच एक नए समुंदर का जन्म होगा। 50 मिलियन साल बाद मार्स का अपना मून फोबोस मार्स के साथ कोलाइड करेगा, जिसके चलते रेड प्लैनेट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। रिजल्ट के तौर पर मार्स के चारों दिशाओं में भी रिंग देखने को मिलेगा, जो आज के टाइम पर हमें सैटर्न में देखने को मिलता है। उसी टाइम पर अफ्रीका का एक हिस्सा यूरेशिया से कोलाइड करेगा, जिससे इनके बीच मौजूद मेडिटेरेनियन सी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। और इन दोनों के कोलाइड एरिया में एक माउंटेन का जन्म होगा, जिसका हाइट माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा होगा।
80 मिलियन साल बाद हवाई आइलैंड समुद्र के नीचे गायब हो जाएगा। अब आते हैं आज से 250 मिलियन साल बाद। इस टाइम पर भी अर्थ में एक एस्ट्रॉयड हिट करेगा, बट दोस्तों ये आगे वाले एस्ट्रॉयड से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। कहा जाता है कि ये एस्ट्रॉयड चिक्सेलुक इम्पैक्ट जितना बड़ा होगा, जिसके अर्थ पर गिरने से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। दोस्तों इस एस्ट्रॉयड के अर्थ पर टकराने से सारे कॉन्टिनेंट्स फिर से एक जगह आने लगेगा और एक साथ जुड़ के बड़ा सा कॉन्टिनेंट तैयार करेगा, जिसका नाम पेंजिया अल्टिमा होगा। बट 400 से 500 मिलियन साल बाद फिर से ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हो जाएंगे और अपने अपने मनचाही पोजीशन पर चले जाएंगे। 800 मिलियन साल बाद पृथ्वी से 6300 लाइट ईयर दूर मौजूद एक मैसिव स्टार एक्सप्लोड हो जाएगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के वजह से स्टार से एक बहुत ही पावरफुल रेडिएशन निकलेगा, जिसे गामा रेडिएशन भी कहा जाता है। दोस्तों गामा रे आधे मिनट में जितना एनर्जी एमिट करता है, सूरज अपने 10 बिलियन ईयर्स में उतना एनर्जी एमिट करता है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि गामा रे कितना खतरनाक और पावरफुल है। बहुत दूर स्थित होने के कारण ये गामा रे अर्थ को तबाह नहीं कर सकता है, लेकिन अर्थ के ओजोन लेयर को बहुत बुरी तरीके से ये अटैक करेगा, जिसके वजह से हम मास एक्सटिंक्शन देख पाएंगे। अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के डेस्टिनेशन पर, मतलब 1 बिलियन साल आगे। दोस्तों इस टाइम पर सूरज का ताकत और चमक 10% तक बढ़ जाएगा, जिससे अर्थ के सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और इसे देखने में आज के टाइम का मार्स जैसा लगेगा। दोनों पोल्स में बहुत कम अमाउंट का पानी रहेगा और रहेगा जीवन का आशा। बट दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारे इवेंट्स हम अपने आँखों से कभी नहीं देख पाएंगे, जिस दिन हमारा अर्थ फिर से एक जलता हुआ आग के गोले में बदल जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर, और वीडियो से जुड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट के थ्रू। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब साइंस एंड फैक्ट्स और बेल बटन को दबाना मत भूलना। आपके सपोर्ट से हमें हर दिन नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।